हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गॉर्जियस फेस। आज का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। डार्क एंड फुल आईब्रोज आर पॉपुलर ट्रेंड नाउ। हम में से बहुत सारे लोग आईब्रो को डार्क एंड फुलर रखना चाहते हैं, जैसे कि मुझे भी आईब्रो को डार्क और फुलर रखना बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम लोग हमारे आईब्रोज को फिल और डार्क नहीं करते, हमारा मेकअप कम्प्लीट नहीं होता है। ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आईब्रो टिंटिंग। उससे पहले इसी तरह के अमेजिंग मेकअप एंड स्किन केयर ट्रिक्स के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। यहाँ वीडियो के नीचे राइट साइड आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, अगर वो रेड है तो आपको करना है उसे ग्रे, मतलब आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्ट। आईब्रो टिंटिंग के लिए हमें चाहिए कलर, तो कलर जो है वो होना चाहिए थोड़ा सा लाइट, ज़्यादा डार्क नहीं, मतलब ब्लैक या डार्क ब्राउन आपको नहीं लेना है। तो आपको लेना है लाइट ब्राउन कलर, तो मेरे पास यहाँ इगोरा का लाइट ब्राउन कलर था ऑलरेडी। और आपको चाहिए 9 वॉल्यूम डेवलपर। 9 वॉल्यूम क्यों? तो ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, हम हमारे आईब्रोज के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए 9 वॉल्यूम। इससे और भी ज़्यादा रहता है 20 वॉल्यूम जो हमें हेयर के लिए यूज़ करना होता है, 40 वॉल्यूम हाईलाइटर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हमें कलर और 9 वॉल्यूम डेवलपर, और चाहिए हमें एलोवेरा जेल। सबसे पहले हमें हमारे स्किन को सिक्योर करना है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल। और इस एलोवेरा जेल को मैं मेरे आईब्रो के अराउंड लगाऊँ ताकि मेरी स्किन सिक्योर रहे, कलर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। आपको ये आईब्रोज के अराउंड लगाना है, आईब्रो के अंदर नहीं। आप एलोवेरा जेल या फिर वैसलीन का इस्तेमाल भी यहाँ पर स्किन को सिक्योर करने के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी कलर ले रही हूँ, एकदम थोड़ा सा लेंगे आईब्रोज के लिए। मैं यहाँ पे 1:1 प्रोपोर्शन ले रही हूँ, जितना कलर ले रही हूँ उतना ही डेवलपर ले रही हूँ। यहाँ पर एक स्मॉल ब्रश मैंने लिया है, इसे प्रॉपरली मिक्स करना है आपको। अब मैं इसे अप्लाई करूंगी अपनी। एप्लीकेशन के लिए स्मॉल ब्रश ही लेना है, छोटे ब्रश से आप अच्छे से नहीं लगा पाओगे, और इसे हल्के हाथों से अपने आईब्रोज पे लगाना। जैसा मेरा हेयर ग्रोथ है उसी हिसाब से मैं इसे लगा रही हूँ। ट्राई करें कि आप सिर्फ हेयर को लगाएं, स्किन को ना लगे। यहाँ पर मैंने एक आई कंप्लीट कर लिया है, नाउ सेकेंड आई। मैंने दोनों आईब्रोज के ऊपर कलर को लगा दिया है, वेट करेंगे हम लोग 15 मिनट। हेलो सिंचैन इज हियर, जस्ट किडिंग। पर मेरे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए, अब मैं इसे वाइप करूंगी। मैंने सिंपली एक वेट कॉटन लिया है और इसे मैं वाइप कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो गए हैं मेरे आईब्रोज
इन और विदाउट मेकअप अब मेरे आईब्रोज लगेंगे फुलर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट डाउन करके नीचे बताना है, और अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।